और एक झटके में, मिनटों में, किसी ने उस इंसान को, उनके बच्चे को उससे छीन लिया। तो सोचिए उस फैमिली के ऊपर क्या गुजरी होगी। और आज हमारे साथ भी होता तो शायद तब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते। ऐसा वो कर, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन अब जैसे कि न्यूज़ चैनल्स और इन सब में बताया जा रहा है सीबीआई की इंक्वायरी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में। आप लोगों से जो इतनी इतनी लंबी बातचीत की, इतना सब कुछ शेयर किया, वो क्यों किया? और आप लोगों के दिमाग में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत सीरियस और बहुत ही दुखद है, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस या बात करने वाली हूँ। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जरूर देखें, पूरा स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो बातें हो सकता है कि आप लोगों को पता भी ना हो या आप जानते हो मगर पूरी तरीके से नहीं जानते हो डिटेल इस केस के बारे में, सुशांत सिंह के बारे में। तो मैं आज इसलिए आप लोगों से इन सारी बातों को खुल के आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और भी बहुत सारा बहुत ज़रूरी बात है जो मैं वीडियो के बीच बीच में आप लोगों से अपने दिन की मन की बात आप लोगों से करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं और कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं आप को, मगर मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट में इम्पोर्टेंट बातों को भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करूँगी। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार में हुआ था। वो वहीं पले बड़े हैं। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे। उनकी चार बहनों में वो इकलौते भाई और सबसे छोटे थे। और उनका जन्म काफ़ी गैप के बाद में हुआ था और इसलिए वो सभी के लाडले थे। सन 2000 में उनका पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से DEC से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 11 बार इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम पास किया है। वो अपनी मम्मी से, मदर से बहुत प्यार करते थे और 2002 में उन्होंने अपने माँ को खो दिया। उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को संभाला और 12th का एग्ज़ाम अच्छे नंबर से पास किया और आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। उनकी मदर की डेथ के बाद ही ये सारे लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। सुशांत का जन्म बिहार के पटना में 1 जनवरी 1986 को हुआ था और इसी वजह से उन्होंने फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड जीता था, जिसका बदला हुआ नाम है दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। उसमें उनकी सीट सिक्योर थी इसी वजह से। तो इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंटरेस्ट नहीं था, मगर उनकी फैमिली ने उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, इसलिए वो और वो थे भी इतने ज़्यादा दे रहे हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते ही उनको रास्ता बनता गया और उन्होंने एडमिशन लिया फिर DEC में। बट उनको एस्ट्रोनॉट बनना था। बाद में उनको एयरफोर्स पायलट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनने का और वो इसीलिए प्लेन भी उड़ाना चाहते थे। मगर जब उन्होंने सूरज हुआ मतलब ये सॉन्ग जब उन्होंने देखा या मूवी देखी होगी तो वो शाहरुख खान की एक्टिंग से इतना इम्प्रेस हुए उस गाने से
कि वो खुद भी फिर उनको बॉलीवुड और डांसिंग की तरफ उनका इंटरेस्ट जागने लगा। यही वजह है कि पढ़ाई करते करते ही उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और श्यामल दावा की क्लास डांस क्लास उन्होंने ज्वाइन कर ली। उसके कुछ समय के बाद ही जब उन्होंने डांस क्लास ज्वाइन कर लिया तो फिर बैरी जॉन की यहाँ उन्होंने एक्टिंग क्लास चालू कर दी कि 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स के जो क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय जब डांस करी थी तो टूट के सॉन्ग पे तो उसमें उन्होंने उनके पीछे एज अ बैकग्राउंड डांसर उन्होंने डांस किया था। यहाँ से मतलब उनकी शुरुआत मुंबई आ ही चुके थे और फिर उन्होंने नादिरा बब्बर के यहाँ एक्टिंग क्लास ज्वाइन करी और 2008 में उनको किस देश में है मेरा दिल में सेकंड लीड रोल के लिए उनका ऑडिशन हुआ और ऑडिशन में वो पास भी हो गए और उन्हें कास्ट किया गया। बट इस सीरियल में उनकी डेथ हो जाती है उनके रोल में तो उस वजह से ये सीरियल में वो आगे काम कर नहीं पाए। अगर उनकी पॉपुलरिटी और उनकी एक्टिंग को देखते हुए तो दूसरा ब्रेक जल्दी ही मिल गया। इस बार उनको लीड रोल में लिया गया पवित्र रिश्ता जो कि हम सभी बहुत अच्छे तरीके से इस रोल को जानते हैं और इस सीरियल को मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, हर कोई जानता है क्योंकि ये घर घर में देखा जाने वाला सीरियल है उस समय का। और माधव और अर्चना उस समय सबसे ज़्यादा फेमस सबसे फेमस कपल्स थे टीवी सीरियल में। इसके बाद उन्होंने जो मेहनत की थी वो उनको यहाँ तक तो पहुँचाई ही, उनके ब्रेन्स पूरे होने लगे और वो आगे बढ़ने लगे और हार्डवर्क तो वो करते ही थे। उसके बाद उनको बहुत जल्दी ही बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला पहली फिल्म उनकी काई पोचे। उसके बाद उनका जो कैरियर ग्राफ है वो ऊंचा उठता ही गया और काई पोचे, फिर विदेशी रोमांस, पी के, एक्टिव व्योमकेश बख्शी, धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उसके बाद रामदा, चिरैया, केदारनाथ, छिछोरे, ड्राइव और अनफॉर्चुनेटली उनकी लास्ट मूवी दिल बेचारा जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और उनके फैंस प्यार दिया। और 2019 में उन्होंने अपने 50 ड्रीम्स की लिस्ट भी उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, उसे आप इंटरनेट पे आसानी से देख सकते हैं। इन ड्रीम्स की स्पेशल कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी।